कल्चर को सब जाने और हम उनको जाने, इसी में हमारी एकता है। किसी कल्चर ऑर्गन है, सबो एक, पूरा भारत एक। हमारी भारत देश की सारी संस्कृति सुंदर है, तो सभी के साथ मिलकर सुंदर ही लगेगा। समान गीतरे एठी नाचुचंती, तो समस्ते यही बार्ता देवा पाई चाहुचंते सारा भारतीय समान, सारा भारतीय गोटिए डोरे बंधा। किछि जो एनएसएस जो अछंती पेल पिला माने अछंत ताको सहित कथा बा, मैडम कौन रहिछि बार्ता, काहे कि आज अभिनव प्रयास समान गीत समान नाच राजरास्ता रे चली छि, पाखापाखि 20 स्टेट रो पिला एठी अछंत। हमर एटा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप चल छि, एथरे 20 स्टेट रो पिला आसी कि तंकर निज कल्चर को रिप्रेजेंट करिवे, तो सेथी पई समस्त आसी कि तांकर निज स्टेट को आम ओडिसा को आसी कि प्रथम थरे रिप्रेजेंट करचंदे। केते दिन रो कैंप चालिबो, कोन कोन रहिछि कार्यक्रम? 7 दिन रो कैंप, आज होछि 3rd डे, आगो को औरी आज होछि ब्रेनस्टॉर्म, अछि डिबेट, अछि क्विज, अछि स्पीच, अछि कल्चरल, सब बेले होछि। सब स्टेट रो पिला निज ये को रिप्रेजेंट करि के हम कॉलेज रे तांकर नेम ये करचंदे। चलियो 7 दिन कैंप अछि। केते उत्साहित अछंती आपण? कोउडो आछंती प्रथमे कहबे, कोउडो आछंती ई जो कैंप आरंभ हेछि? मो आछि पुरी एससीएस ऑटोनॉमस कॉलेज रो, उत्कल यूनिवर्सिटी को बिहाफ रे, आ मो बहुत एन्जॉय करछि। एडी किछि कल्चर अलगा न हे, सबो एक, पूरा भारत एक, आम इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को भी आमे डिफाइन करूछि, एंड सबो खुशी रे अछंती, बहुत एन्जॉय करूछि आमे। आ सर मध्य सर निश्चित भाव गोटे अभिनव प्रयास, सारा भारत बर्ष रु पाने समस्ते एक बोली प्रमाण दौंट, तो किपर भाव में ये आयोजन कर मन को आसला गोटे अभिनव प्रयास करने मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स अंडर आम आई टी आर आनुकूल्य जो एनएसएस अच्छी राज्य एनएसएस दुईज दुईटा मानने एनएसएस राज्य एनएसएस और आई टी आर सोआ यूनिवर्सिटी आनुकूल्य आमर एटा गोटे 7 दिनिया कार्यक्रम होउछि पेट्रोटिजम ए नेशनल नेशन इंटीग्रेशन पाई, जोटा कि आम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बोली कैंपटा को कहछु। यही कैंप माध्यम रे आम देशर 20 राज्यर विभिन्न विभिन्न राज्यर विभिन्न एनएसएस वॉलंटियर आछंती, जो माने कि ए कैंप रे भाग नहींचंती, एवं या द्वारा पेट्रोटिजम किमती आगो को बढ़ी पारिबो, अन्य माने सबु माने यूथ माने किमती नेशन प्रति गोटे लॉयलिटी सृष्टि करि पारिबे, सेमानकर मनोभाव जेमती आसीबो नेशन प्रति नेशन बिल्डिंग पई, एही गोटे अभिनव प्रयास रे भारतर विभिन्न राज्यर एही स्थान को पिला माने आसीचंती, एवं 7 दिन व्यापी आम एटा गोटे बार्ता देवा पई चाहुचु जे आम जेकोणसी राज्यर लोक होउना काहे कि आम समस्त एक, भारत को सुदृढ़ करिया पई आम समस्तकर एकमात्र चिंता, एवं एथि पई चित्रांकर प्रतियोगिता एवं वक्तृत्व प्रतियोगिता ता सहित एक्सपोजर विजिट रे मते किछि पिला मानको निया जीवो, एवं एटा एही रैली माध्यम रे आम चाहुचु जे आमर जो विभिन्न देश रे विभिन्न प्रकार जो माने अशांति सृष्टि होउछि विभिन्न धर्म को नहीं कि जाति को नहीं कि एवं रीजनल फिलिंगस होउछि सेटा को जेमती दूर हो पारिबो, एवं समस्त आफ्टरऑल आम समस्त नेशन बिल्डिंग रे भाग नहीं पारिबो, सेटा होउछि आमर मूल लक्ष्य, एवं सेथिपई एही कार्यक्रम टे करा जाइछि। निश्चित भाव बहुत धन्यवाद आपण सुनुथिले कोन रहिछि मोटो ताकु नै सर आलोचना करथुले, तो अन्य जो अदर स्टेट रु आछन ता किछि छात्री तांको सहित कथा बा, मतलब आप कहां से है? हरियाणा। कितने अच्छे लग रहे हैं आज ओडिशा में आकर? ये जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा कैंप है। क्या कहेंगे जो ऑर्गेनाइजर जो एनएसएस का ऑर्गेनाइजिंग टीम बहुत अच्छी है, आके हमारे साथ कोऑपरेट करके चल रही है। आप आए हैं हरियाणा से लेकिन यहाँ ओडिशा का सॉन्ग से डांस कर रहे हैं, वो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सीखने को मौका मिल रहा है हम सभी को। जो ओडिशा का जो है आपके साथ साथी न्यू फ्रेंड हो गए, उसके साथ मिलकर कैसा लग रहा है? हमारी
सारी भारत देश की सारी संस्कृति सुंदर है, तो सभी के साथ मिलकर सुंदर ही लगेगा। क्या प्रूव क्या करना चाहते हो आज? क्या करना चाहते? क्या प्रूव करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया का जो छात्र छात्र? इंडिया दिखाना चाहते हैं हम कि ये सारा इंडिया, हम सभी ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हुए, सभी अपने स्टेट सिखा रहे हैं। मिनी इंडिया शो, मिनी इंडिया। और आओ जाने अच्छा हम सहित छात्र तांको से मध्य कथा बा। आप कहाँ से? हम हरियाणा से हैं। कितने उत्साहित हैं आज ओडिशा में आकर? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके, बहुत कोऑपरेटिव पर्संस हैं यहाँ के। आज जो डांस कर रहे हैं आप संबलपुरी सॉन्ग में या ओडिया बा किस सॉन्ग में, कितने अच्छा लग रहा है डांस कर? डांस फॉर्म तो इंडिया की सारी बहुत अच्छी है और यहाँ की तो लाजवाब है। कौन सा अभी आपको जो डांस मिलेगा तो डांस करने के लिए कौन सा सॉन्ग में डांस करने पसंद करेंगे आप? वैसे हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करने आए तो हरियाणवी फोक डांस ही करेंगे, बट अगर हमें मौका मिलता है तो हम उड़ीसा डांस भी करना चाहेंगे। उड़ीसा में जो आकर आने के बाद जो यहाँ पे अभी विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर का सीजन में शीत भी बढ़ते जा रहा है, तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है जितने दिन भी अभी तक रहा है यहाँ पे आप ठहरे हैं? दोपहर में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और सुबह शाम ठंड होती है, तो हमें यही नहीं समझ में आता हम ठंड के कपड़े पहने या गर्मी के कपड़े पहने, तो कंफ्यूजन रहता है हमें। ये जो 7 दिन का कैंप है, क्या क्या करना चाहेंगे कैंप में? इस कैंप में पहले तो हर एक संस्कृति से वाकिफ होना चाहेंगे, ताकि हम अपने वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे बताएं कि हम इन इन संस्कृतियों से मिलके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनुले जन थे हरियाणा रु दुई जन आज छात्र अच्छा, आप कहाँ से? मेरा नाम हरीश है और हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है रोहतक से आए हुए हैं। वहाँ क्योंकि हरियाणा से जो कंटिजेंट आए हैं, टोटल 6 कंटिजेंट आए हैं, एक कंटिजेंट इंचार्ज के तौर पर हैं जोगेंद्र सिंह, क्योंकि मैं तो उड़ीसा आता रहा हूँ, लेकिन हमारी टीम जो पहली बार आई है उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अलग खाना खाने को मिला और अलग चीज़ें, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, तो अलग टेस्ट है, हर तरह का कल्चरल है, और साथ में हम यहाँ जो एक यूनिटी जो देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता शिविर है उसका मोटो यहाँ पूरा होता नजर आ रहा है। हर किसी स्टेट से जो 4-4, 5-5 यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से रहना, कोऑपरेट करना और एक दूसरे को समझने के बाद, क्योंकि भाषाएं समझ में नहीं आती हैं कई बार, और भाषाओं का अनुवाद हो सकता है भावनाओं का नहीं, तो यहाँ एक दूसरे के जो भावनाओं को समझ के कोऑपरेट किया जा रहा है वो बहुत गजब का है। और कितने दिन से आए हैं यहाँ पर ठहरे? हम यहाँ पर 14 तारीख को आ चुके थे, 15 से हमारा कैंप स्टार्ट हो गया है और आज कैंप का 3रा दिन है। कैसे लग रहा है उड़ीसा का परिवेश कैसा है, उड़ीसा का लोग कैसा लग रहे हैं? उड़ीसा का सबसे पहले तो ड्रेस बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि काम से खूबसूरती देखी जाती है, जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, हम अभी रोड पे देख ही रहे थे कि वो अपने आप से भी रुके, हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं ड्यूटी जा रहा है या कहीं जॉब पे जा रहा है तो वो लेट हो सकता है, लेकिन हमें देखते हुए सभी को उसने अपनी बाइक और कार रोकी और हमें तवज्जो दी, तो इसके लिए देखिए हम तो हमेशा आभारी रहेंगे। और ये भी चीज़ हमें सीखने को मिली कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे का स्वागत और सम्मान किया जाता है। और एक बात, जो डांस चल रहा है हम देख रहे हैं रास्ते में आप डांस करके आ रहे थे, तो कैसे पाद के पाद किसे मिलाते हैं उड़ीसा का सॉन्ग में और आपका सॉन्ग में? डिफरेंस तो कुछ होगा ना? देखिए हर किसी के अलग अलग जो फोक सॉन्ग हैं और फोक जो डांस हैं सभी में अलग अलग कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं, भिन्नताएँ तो हैं, पर लेकिन जब एक मंच पर आ जाते हैं, NSS के जब मंच पर आ चुके हैं, NSS की टीम जब आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो हाथ पैर मिले या ना मिले लेकिन वो एक दूसरे को अच्छी तरह से मिल जाते हैं और वो प्रयास करते हैं। हरियाणवी ओडिसी डांस नहीं कर सकते, ओडिसी हरियाणवी डांस नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं और साथ में मिलके डांस करने की भी कोशिश करते हैं और सभी काम करने की कोशिश करते हैं। निश्चित भाव अपन मैंने सुनुले आउ किसी छात्र छात्री मध्य एपटे अच्छा आम देखा चाहेबू, निश्चित भाव नुआ नुआ समस्ते निज निज स्टेट रो ड्रेस पिंधिंटे समस्ते साजसज्जा हो तो निश्चित भाव आप देखिपे ये तार चलचल रास्ता उपरे एक NSS क्या पर एक अभिनव प्रयास चलती राज रास्ता उपरे एक कार्यक्रम चली आप देखुए सबू प्रकार गीत बाजुला ये आसिक समस्ते डांस करुले ताड़े ताड़े ओडिशा सहित ओडिशार इंडिया समस्त गीत बाजुला समस्त भाषा लोक अच्छा समस्त प्रजातिर लोक अच्छा आप कहाँ से? छत्तीसगढ़। कैसे लग रहा है उड़ीसा के? बहुत अच्छा लग रहा है।
हम कर्नाटक से आए हैं और हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आप ओडिशा में हैं, मुस्कुराइए, बहुत अच्छा स्टेट है, हमें बहुत अच्छा लगा, हम कर्नाटक से हैं और यहाँ जो इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन ब्रिंग्स एनर्जी थ्रू सिनर्जी बोल के हम खत्म करना चाहते हैं। क्या क्या बताएंगे आप ओडिशा में, क्या ऐसा क्या एक्सपीरियंस लिए कि आपका स्टेट में बोलना चाहेंगे? ओडिशा में ना मुझे जगन्नाथ पुरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट लगा और यहाँ खान पान तो अच्छा है लेकिन थोड़ी ठंड ज़्यादा है हमारे से, फिर भी हम मैनेज करेंगे क्योंकि हम NSS वाले हैं, हम एकता को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और सभी को यही डिसिप्लिन सिखाते हैं। थैंक यू। क्या मोटो क्या है आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या मोटो है? कि हमारे कल्चर को सब जाने और हम उनको जाने, इसी में हमारी एकता है। इसीलिए हमारे सभी जगह से अलग अलग स्टेट से आए हैं कि सब आपस में मिले और एक दूसरे को जाने, उनकी भाषाएं सीखे। जैसे हम गुजरात से मिले, कर्नाटक से मिले, उनकी हम अपनी भाषा उनको बताएं, वो हमारी बताएं और ये मैत्री भाव बना रहे और हम आपस में मिलजुल के रहना सीखे। इसीलिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सब भाईचारे से रहें। समस्त मुहरे से गोटे कथा, आम से ही देशर नागरिक, आम से ही देशर छात्र छात्री, जो देशर सब भाषा चले, सब प्रकार लोक रुहति, समस्त भाषा रे कथाबार्ता करती एवं एपटे आपण मैंने देखुं आउ कि छात्र छात्री अच्छा, आप कहाँ से? झारखंड। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आने से और हम लोग यहाँ पे NSS की इंटीग्रेशन कैंप में आए हैं और पूरे भारत को अपनी एकता और संप्रभुता, अखंडता और संस्कृति को दिखाने के लिए आए हैं। निश्चित भावे हमें छात्र छात्री सहित कथ उठले झारखंड जो छात्र छात्री मैंने आ सार आम सहित अच्छा निश्चित भावे सर आप आए हैं ओडिशा में, कैसे लग रहा है ओडिशा का प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है सर, मैं एक ही ध्येय के साथ आया हूँ, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और इसी ध्येय के साथ मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई हिस्टोरिकल प्लेस हम लोग दो दिन में घूम लिए, अब दो तीन चार दिन और बचा हुआ है, हमारा प्रोग्राम 15 से 21 तक है, हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग घुमाया जा सकता है और कितना घुमाया, अभी तक जहाँ तक देखे बहुत संतुष्ट हैं हम लोग और बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अपना स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ झारखंड की धरती भूमि, झाड़ी झारखंड की धरती है। थैंक यू सर। निश्चित भाव आप शुणुते समस्त पाखापाखि 20-21 राज्य रु आने छात्र छात्री मैंने तो निश्चित भाव आप कहाँ से आप लोग? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपण माने सुनुथिले समस्ते एथिले NSS कैंप चली एवं एक एक अभिनव प्रयास चली पाखापाखि समस्त देशर समग्र देशर छात्र छात्री मैंने आसी एवं समस्ते आसी एठी एक अभिनव प्रयास रे समस्त देशर नागरिक एकता अच्छी एवं एक गोटे डोरी रे बंधा बोली ता प्रमाणित करिसंती। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सागर को सह सरोजन का रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर। ओ प्राकृतिक उपादान रे प्रस्तुत परिचय मसला आपण को रोसई रे आनी थाए प्रकृत स्वाद, परिचय टेस्ट का नया पहचान।